कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अफसोस और किस्मत को तो वो कोसते हैं मेरे दोस्त, जिसने थोड़ा सा भी प्रयास अभी तक करा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सीयूटी बोले तो सुपर कैटबोर्ड। और आज हम उन सभी सुर्खियों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि देर रात तक तमाम न्यूज पेपर, तमाम न्यूज वेबसाइट का हिस्सा बनी थी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, या अवार्ड्स ऑनर्स हो, या फिर कोई भी फेमस फेस्टिवल हो। तो सबसे पहले यस हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, देव पालीवाल, सान्या सिंह, यस आई हैव स्टार्टेड करंट अफेयर फ्रॉम टुडे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी जी एस। तो देव पालीवाल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हाउ टू रीड द करंट अफेयर, हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर फॉर नॉट ओनली द सीयूटी एग्जाम, एनी ऑफ द एग्जाम्स ओवर देयर। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी करें या किसी और एग्जाम की भी तैयारी करें तो आपके लिए ये सेशन जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तमाम उन न्यूज की या तमाम उन सुर्खियों की चर्चा करते हैं जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बनती है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए सो दैट सब बच्चे यहाँ पर जुड़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। देखिए ये इंसाइट रहेगा, इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैप की सहायता से हम चीजों को देख रहे होंगे, जिससे जब हम मैप की सहायता से देखते हैं चीजों को तो फिर चीजें लर्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट कैपिटल और करेंसी भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है सीयूटी, चाहे आप सीयूटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और की भी कर रहे हो, तो टेलीग्राम जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन, और तमाम बहुत सारी एक्टिविटीज करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट रिलेटेड वहां पर होती रहती है, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा। यस आई एम गुड श्रुति, आप बताइए आप कैसे हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और तमाम एग्जाम के अपडेट सीयूटी से रिलेटेड आपको उस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, और आप उसे सीधा कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट न्यूज। आज मैंने कुछ अलग सा किया है सेशन के अंदर, मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक कैपिटल या फिर जो भी कैपिटल बनती है, जैसे कि हैदराबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, जो भी कैपिटल बनती है उनका कुछ इतिहास भी आपको बता सकूं, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसी तमाम जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर सकूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो उनका आंसर देने में। तो देखो हम केवल हेडलाइन पढ़ते हैं, हम केवल हेडलाइन पढ़ते हैं, हम केवल ये देखते हैं कि क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। हैदराबाद होस्ट करेगा फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट है बातें वो मैं आपको बताने वाला हूं। हैदराबाद क्या है, ई फॉर्मूला चैंपियनशिप क्या करेगा, होस्ट करेगा। इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो ये कहां पर है, यह है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। तो के चंद्रशेखर राव, अभी एक बच्चा ये पूछ रहा था कि किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो बेटे आपको केवल और केवल इस सेशन को अटेंड करना है, नथिंग एल्स। आप इस सेशन को डेली अटेंड करिए और 3 से 4 दिन के अंदर अपने अंदर फर्क महसूस कीजिए, ये मेरी गारंटी है। जो जो मैं यहाँ पर लिखता रहा हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिखते रहिए। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, और तामिली साई जो है यहाँ की गवर्नर है, ठीक है, तामिली साई यहाँ की गवर्नर है। अगर बात करें तेलंगाना, तो हैदराबाद ये न्यूज में बना है भाई, हैदराबाद से बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट बनती हैं। हैदराबाद की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड एटीएम यहीं पर बना है भाई, ठीक है, गोल्ड एटीएम मतलब इधर से एटीएम निकाल डालो और उधर से सोने के सिक्के निकालो। इसके अलावा क्या आपको पता है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी, हैदराबाद को अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड भी मिला था, वर्ल्ड ग्रीन सिटी। तो जब आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ग्रीन सिटी कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में से, तो वो है हैदराबाद। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो, ठीक है, कौन सा भाई, रामोजी फिल्म स्टूडियो वो भी यहीं पर है, मतलब इसको देखने का अलग से टिकट भी लगता है, टूरिस्ट प्लेस एक तरीके का है। और जो आपकी बाहुबली मूवी आपको याद आई होगी कैसी है, ये अनहोनी हर आंख हुई नम,
तो वो भी यहीं पर ही शूट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी बातें और इंपॉर्टेंट बनती है। क्या आपको पता है, क्या आपको ये बात पता है कि गोलकोंडा माइंस जो है, गोलकोंडा खान जो है वो यहीं पर है, इन हैदराबाद जहां पर क्या मिला था, कोहिनूर डायमंड यही मिला था। कोहिनूर डायमंड की यही खोज की गई थी। ठीक है, यही खोज की गई थी। अब तो ये भाई लंदन में है। ठीक है, एलिजाबेथ रानी जो है उनके सर का ताज जो है उसकी शान को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो बिगेस्ट स्नो पार्क भी यहीं पर है बेटा, है ना, बिगेस्ट स्नो पार्क। अब कहोगे सर हैदराबाद में स्नो कहां से आ गई, तो ये आर्टिफिशियल स्नो है, बिगेस्ट स्नो पार्क इन हैदराबाद। और अब जो है बहुत जल्द बड़ा, सबसे बड़ा स्नो पार्क बनाने जा रहा है कौन, दुबई। तो वो भी अभी हाल ही में न्यूज में आ जाएगा। ठीक है, नॉट दुबई, आबू धाबी मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, आबू धाबी में, आबू धाबी। ठीक है, क्या इतनी बातें पता थी, कोहिनूर कहाँ मिला, गोलकोंडा माइन जो है वहां पर कोहिनूर मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज। जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, जो नहीं बोलता वो मैं जरूर करता हूं। भाई जो मैं बोलता हूं, जो मैं लिखता हूं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखना है। कुल मिलाकर यह है कहने का मकसद। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्या नडेला जी, ठीक है, सत्या नडेला भाई, कल ये काफी सुर्खियों में थे, कल और परसों ये आए हुए थे इंडिया में है, और इन्होंने चीफ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ मतलब बहुत सारी मीटिंग करी और काफी न्यूज में ये बने रहे। तो अब इसरो इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है टू बूस्ट द इंडियन स्पेस टेक इकोसिस्टम। ठीक है, टू बूस्ट द इंडियन स्पेस टेक इकोसिस्टम। तो भाई इसरो से कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है, जो बन जाती है आपकी न्यूज के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो, इसरो की बात करें तो भैया देखो, इसरो की अगर आप बात करोगे तो उसका हेडक्वार्टर मैंने आपसे बता ही दिया। ठीक है, साथ साथ अभी हाल ही में इसरो ने आईडीएस, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, हाँ आईडीएस, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस स्टाफ। इसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल इसका परीक्षण भी किया था भाई, है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल इसका परीक्षण भी किया था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड जो है वो लगभग मार्च 5 बताई जा रही है। मार्च 5 मतलब मार्च होता है ये, मतलब स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ यू नो साउंड, तो साउंड की स्पीड का 5 गुना, मतलब 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड, इतनी तेज ये मिसाइल है, इतनी तेज चलने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, देश के, इस दुनिया के कुछ ताकतवर देशों के पास ये मिसाइल है, जैसे रशिया के पास भी है ना, ये सब हो गया। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें कि हाँ, अभी हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लस एक आपका सोशल अल्फा जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक वेबसाइट है, सोशल अल्फा प्लस इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है फॉर द स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, फॉर द स्पेस टेक, ये भी हाल ही की न्यूज है, इनोवेशन नेटवर्क। ये जो न्यूज होती है ये होती है साइंस एंड टेक से, और ये न्यूज आपकी आ जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR प्लस इसरो ने, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR प्लस इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, MOU। ठीक है, किसके लिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक, इस एक प्रोजेक्ट ये लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है,
इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से उसमें भी लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, इंटीग्रेटेड डिफेंस, जैसे श्रुति ने लिखा, इंटीग्रेटेड डिफेंस प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक की स्पेलिंग हाइपरटोनिक कर दिया, ठीक है? ICHR इसरो, बिल्कुल, 5 × स्पीड ऑफ साउंड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी भाई, ये देखो, ये न्यूज आ चुकी है, तमिलनाडु प्रनेश एम बिकम्स इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर आफ्टर विनिंग रिनॉल्ट कप। रिनॉल्ट कप जो कि कहां पर हुआ था, वो सॉरी, रिनॉल्ट कप की बात करें तो इन द फाइनल राउंड टू क्लेम दी टाइटल, और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने शायद नॉर्वे, हाँ ये रे, बीटिंग जीएम फ्रॉड ओलाव ओल्सेन यूरकेडल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे वाले जो मतलब इनके कंपटीटर थे, इनके जो अगेंस्ट थे, उनको हराया है और ये 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भाई चेस की बात करूं तो अभी हाल ही में एक और नाम था न्यूज में, जो कि था आदित्य मित्तल, ठीक है? आदित्य मित्तल, मैंने आपको बताया था ये 77th ग्रैंड मास्टर बने हैं, 77th ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के। फिर एक नाम आया था कोस्तवा करके, कोस्तवा, ये 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर अब ये जो हमारे प्रनेश एम है, प्रनेश एम, ये बने हैं 79th ग्रैंड मास्टर, ठीक है? देखो न्यूज में क्या आता है, जो आपके एग्जाम के बिल्कुल पास में होगा, हाँ आदित्य मित्तल मुंबई से है, जो एग्जाम के आपके पास में होगा वो सब चीजें आपसे न्यूज के अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है? चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है यार, काफी क्या, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आपके एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज जो कि वाराणसी से चलेगा, इसको हरी झंडी दी जाएगी। पीएम मोदी इज सेट टू फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ये कुछ ऐसी न्यूज है जिसके मैं क्या है, इसकी डिटेल भी पढ़ूंगा, इसकी डिटेल भी पढ़ूंगा, क्योंकि इसकी हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ये होने वाला है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है गंगा विलास। ये है, इस तरीके का ये दिखता है, देखो इस तरीके का दिखता है गंगा विलास। इसकी अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू मस्ट नो, कि ये 80 पैसेंजर को एक बार ले जा सकता है, 50 दिन की जर्नी ये कंप्लीट करेगा और कवर करेगा 3200 किलोमीटर। मतलब जो 80 पैसेंजर्स के अंदर ट्रेवल करेंगे वो 50 दिन की जर्नी इसके अंदर करेंगे और 3200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, और 27 अलग अलग रिवर सिस्टम जो है उनसे ये पास होगा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर है। बांग्लादेश की बात करें तो ट्रेवलर जो रहेंगे वो कहाँ कहाँ, गोस्ट सिटी ऑफ सोरंगोन एंड दी ओरेट 1400 S एरा 60 डॉम मॉस्क्यू, इसको जो इसके अंदर पैसेंजर आएंगे वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, मतलब ट्रेवल कर पाएंगे। इन एडिशन टू विजिटिंग दिस साइट, इट विल ऑल्सो पास थ्रू द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि सुंदरबन और काजीरंगा नेशनल पार्क और एटसेट्रा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज जो है ये वाराणसी से चलेगा। अभी यार कल की बात है, हमने कल वाराणसी की एक न्यूज देखी थी, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि वाराणसी की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज थी, कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को एट राइट स्टेशन, है ना, ईट राइट स्टेशन, इसका अवार्ड मिला है, ईट राइट स्टेशन अवार्ड मिला है, इसको ईट राइट स्टेशन अवार्ड टू दी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, अभी हाल ही में रेलवे स्टेशन, और इसको आप बोल सकते हैं मतलब एक 5-स्टार रेटिंग यहां पर इसको मिली है। अब ये क्या है, ये मैंने कल आपको बता दिया था बहुत अच्छी तरीके से, कल या परसों की न्यूज है। ईट राइट स्टेशन का मतलब है कि यहाँ पर हाइजेनिक, प्रॉपर हाइजेनिक खाना मिलता है भाई, है ना, और बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कि बासी खाना है, और मतलब खाने की रेटिंग को यहाँ पर ईट राइट स्टेशन अवार्ड को मद्देनजर रखते हुए 5-स्टार रेटिंग मिली है ना। देखा, बच्चे सब देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, श्रुति भी बोल रही है इस बात को। चलो भैया देखो, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा के अंदर, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम अब इनॉगरेट
हो चुका है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और गवर्नर की बात मैं अगर करूं, यहीं पर लिख देता हूं, गवर्नर ऑफ उड़ीसा गणेशी लाल। कल काफी सारी बातें हमने देखी थी उड़ीसा के बारे में। और यहां पर हम बात करें तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है, कहां वर्ल्ड का, कैसे आएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर इनॉगरेट किया गया या कहां पर बना, तो वो है उड़ीसा। ठीक है, लगभग 15 महीने का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, 20,000 दर्शकों की कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने देख ली थी उड़ीसा से रिलेटेड। एक और मैं बता देता हूं कि सायरन प्रोजेक्ट, सायरन प्रोजेक्ट जो है वो रिलेटेड किससे है, वो है उड़ीसा से, जो कि एक एलिफेंट, ठीक है, जो कि एक एलिफेंट सेविंग प्रोजेक्ट है, एलिफेंट सेविंग फ्रॉम दी एक्सीडेंटल डेथ, जो कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। उड़ीसा की राजधानी बच्चे ने लिख दिया है भुवनेश्वर है। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखो उड़ीसा की जागा मिशन जो है, जागा मिशन कहां से रिलेटेड है, वो भी उड़ीसा से ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्या है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है उड़ीसा का और टाटा स्टील फाउंडेशन का। ठीक है, टाटा स्टील फाउंडेशन का ये एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि सिमलीपाल भीतरकनिका, ठीक है, सिमलीपाल भीतरकनिका और सिमलीपाल भीतरकनिका हो गया, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है, और चिल्का लेक भी यहीं पर है, जो कि क्या है, एशिया के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, चिल्का लेक। तो सिमलीपाल, एक बार लिख देता हूं यहां पर, सिमलीपाल, सिमलीपाल भीतरकनिका और चिल्का वाइल्ड लाइफ, ये आपको यहीं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि यार चिल्का लेक कहाँ पर है, ऐसे करके, है ना। जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि भाई चील होती है ना, चील उड़ी, तो चील और उड़ी, उड़ीसा। ठीक है, बुरा बात मानना शुरू थी। ठीक है, तेलंगाना जॉइंस फ्री राइज स्कीम। तो भाई देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि भाई सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर बहुत कम दामों पर गेहूं दिया जा रहा है एजेंसीज पर, सरकारी एजेंसीज पर, और बहुत कम दामों पर लोगों को चावल दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत कम दामों पर चावल दिया जा रहा है। सो नाउ यू नो तेलंगाना ऑल्सो ज्वाइन द फ्री राइस स्कीम। तो ये फ्री राइस स्कीम, ये सब कहाँ पर है, फ्री राइस स्कीम हो गया या फिर गेहूं कम दामों पर उपलब्ध कराना हो गया, कुल मिलाकर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान रखो कि अभी रिसेंट में किस स्टेट ने ज्वाइन किया फ्री राइस स्कीम को, तो वो तेलंगाना ने। तो देखो ये जितना भी है ना, जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और मतलब किस तरीके से फूड की पहुंच है, फूड की पहुंच कैसे है लोगों तक, ये सब चीजें। तो ये मतलब किस तरीके से ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है आपका इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आता है ये सब, आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। ठीक है, NFSA 2013, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इसके अंदर आता है ये, कि किस तरीके से फूड की सिक्योरिटी, फूड की अवेलेबिलिटी या फूड की यू नो पहुंच जो है सभी नागरिकों तक पहुंचे, तो ये सब NFSA के अंतर्गत आता है। मतलब यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी, ये सब। ठीक है, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, यूटिलाइजेशन, फूड का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये सब चीजें इसी के अंदर आता है। इसके अलावा बात करें NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में फाउंड किया गया था। ठीक है, इसी के अंदर ये सारी बातें आती हैं। और उधर अगर आप देखो फूड से रिलेटेड ही, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी, फूड की यू नो यूटिलाइजेशन और फूड की पहुंच लोगों तक कितनी है, उसके लिए एक सूचकांक है जो कि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, इसमें पूरी दुनिया को मापा जाता है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनको मापा जाता है, और उनकी एक रैंक निकाली जाती है कि भाई एट प्रेजेंट कितनी रैंक है आपकी,
अगर हम बात करें इंडिया की तो 107 थी, ठीक है, इन 2022, अगर जितना मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 107 थी 2022 में, ठीक है, आउट ऑफ कितनी, आउट ऑफ 121 कंट्रीज। और आपको जान करना बहुत अचंभा होगा, जानकर बहुत अचंभा होगा कि जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जो कंडीशन है ना वो यार हमसे भी बेहतर है, हमसे भी बेहतर है। ग्लोबल फूड सिक्योर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो पोजीशन है वो हमसे भी बेहतर है, लगभग 100 के अंदर ही है सब। पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में इतनी बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बुरी आ रखी है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो भाई अंधेरे में मीटिंग करते हैं, मतलब लाइट बंद करके मीटिंग करते हैं कि हमें लगभग 22,000 करोड़ कुछ इतने रुपए बचाने हैं, लाइट सेव करनी है जिससे कि हमारी इकोनॉमी को कुछ सहायता मिल सके। और वहां पर गए सब लोग, सब मंत्रियों ने मीटिंग स्टार्ट करी, उन्होंने पर्दे खोल दिए खिड़कियों के कि चलो हम सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बुरी हालत है ये श्रीलंका की, इकोनॉमिक क्राइसिस से आप सब लोग रूबरू हैं, आप सब लोगों को पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां पर 500 SUV और लाइन ऑफ क्रेडिट भी कई मिलियन डॉलर का है जो इंडिया हेल्प कर रहा है श्रीलंका की, ठीक है। बांग्लादेश में अब जाकर मेट्रो भाई रिलीज हुई है, अब जाकर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया ढाका में। नेपाल की बात सुन लो जो कि एक ऐसा देश है कभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर आ सकता है, ग्रे लिस्ट मतलब अब यहां पर ये देखा जा रहा है कि काफी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है, व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, काफी हद तक ऐसा देखा जा रहा है कि टेरर फाइनेंसिंग करी जा रही है, मतलब जो टेररिस्ट रहते हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। नेपाल में अभी कौन थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये यहाँ के PM बने हैं जो कि KP शर्मा ओली के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। KP शर्मा ओली चाइना के समर्थक है, चाइना नेपाल से मिल गया है, तो अब ये देख लो चाइना नेपाल, चाइना पाकिस्तान, इस तरीके का कुछ हिसाब किताब चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये सारी बातें बेटा इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो ये 107 है, और आपको पता है 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोगों की पोजीशन 101 थी, 101 से नीचे आकर 107 हो गए। ऑल्दो जो मंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट में इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को माना ही नहीं, ये रिपोर्ट ही सही नहीं है, लेकिन क्या करें भाई, सब लोगों की रिपोर्ट है, पूरी ग्लोबल उस पर मापी जाती है, पूरी दुनिया को मापती है, ऐसा सूचकांक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे नेटवर्क है ने, हाँ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, रेडीनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स, मतलब ये देखा जाता है कि कंपनी किस किन हालातों के लिए कितनी तैयार है, इसमें हमारी पोजीशन है 61st, और USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पोजीशन है नंबर 1। इसके अलावा अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कौन सा राष्ट्र कितना खुश है, इसमें हमारी पोजीशन आप जानते हैं क्या है, 136, मतलब हम लोग ज्यादा खुश ही नहीं रहते। इसके अलावा फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 1, 2, 3 ये पोजीशन है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड हेलसिंकी, यूरो, डेनमार्क कोपनहेगन क्रोन, और आइसलैंड रेक्जाविक क्रोन, ये इसकी कैपिटल करेंसी है। और कौन सा बचता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें हमारी पोजीशन क्या है, 40th, 40वीं, स्विट्जरलैंड की सबसे ऊपर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बन फ्रैंक, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर
एम्बेसडर के रूप में इन्होंने इनको चुना है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, लॉन्गेस्ट ट्रेन चलाई गई यहाँ पर 175वीं एनिवर्सरी पर, जो कि इसकी रेल सिस्टम की थी, लॉन्गेस्ट ट्रेन यहाँ पर चलाई गई। ये सारी बातें भाई देखो, इतने सारे जो है मैंने आपको ये याद करवा दिए कि कितने सारे आपके ये सारी चीजें बन चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, काफी सारे अपने वो हो गए। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एट द रेट 2047, 2047, ठीक है, वाटर विजन 2047 की फर्स्ट इंडियन एनुअल स्टेट मीटिंग बोल लो, ठीक है, ये कहां पर इनॉग्रेट की करी गई भाई? ये इनॉग्रेट आपकी करी गई 2047 की, कहां पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान आपको दिखाई दे रहे होंगे कहीं पर, तो अब आप देखो कितनी सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट बनती हैं भोपाल से। एक तो ये हो गया फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, वो भोपाल में, और दी वाटर विजन एट द रेट 24/7। वाटर विजन मतलब वही भाई अपना जल मिशन जो है, जैसे कि हर घर जल योजना, हर घर नल का जल, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि वाटर को लेकर, स्पेशली जल को लेकर बनाई जा रही हैं। और ये एक मिशन है पीएम मोदी जी का कि भाई हर घर जो है जल होना चाहिए, हर घर पानी होना चाहिए। मतलब आज भी बहुत सारे हालात ऐसे हैं इंडिया के अंदर कि जो लोग हैं, खासकर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो बहुत दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं, है ना? ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये नाम है, उज्जैन इज द सिटी ऑफ महाकाल, बिल्कुल। और मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, सब लोग बताते जाओ एक बार, है ना, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? इसके अलावा साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? इसके अलावा रोड एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? इसके अलावा और कौन सा बनता है हमारा? साइंस मिनिस्टर हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? चलो देखते हैं कितना आपको पता है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाओ कौन 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 से है ना। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है? ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, या बोल दो यूथ अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कौन कौन है? ऐसे लिखना है जैसे अभी रिया ने लिखा है कि रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र, गजेंद्र ही नाम है ना, हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, वेरी गुड रिया, सुब्रमण्यम जयशंकर इनका नाम है पूरा, है ना, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, सही लिख रहा हूं?
फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। क्लियर है? वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी। राजकुमार सिंह कौन है? अभी हाल ही में मैंने बताया था यार, राजकुमार सिंह। पावर मिनिस्टर। पावर मिनिस्टर बोल लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर बोल लो, है ना? क्लियर? हाँ, अनुराग सिंह ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एंड एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर, ऐसे बोलते हैं। चलो जी आगे, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, भोपाल के बारे में कुछ यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? भोपाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस मीटिंग यहीं पर हुई भोपाल में। 65th नेशनल व्यूमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहीं पर हुई, जहां पर निकास जरीन और लवलीना नाम निकलकर आए, गोल्ड मेडल जीते। और इसके अलावा नो नहीं सॉरी 65th नहीं, 6th नेशनल व्यूमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 6th नेशनल व्यूमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, व्यूमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहीं पर हुई। निकास जरीन और लवलीना यहां पर नाम निकल कर आए। फिर इसके बाद 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल शूटिंग एकेडमी में ही हुई, जहां पर दिव्या, TS, इमरोज, सरबजोत, मनु भाकर ये नाम निकल कर आए। अगर शूटिंग का नाम आता है तो आपके नाम आना चाहिए रुद्रांश पाटिल, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन कप, जो कि इजिप्ट के कायरो में हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल भी जीता था, ठीक है? इसके अलावा भोपाल जो है, इज द सिटी ऑफ लेक, इज द सिटी ऑफ लेक एंड इज द भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक और क्या है, इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है? इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल की बात करें तो भोजपाल जो राजा थे, इसका नाम कैसे पड़ा? भोजपाल राजा थे, भोजपाल राजा। और इन्होंने ना बहुत सारे मतलब पाल कहां से, भोज राजा थे, ठीक है? भोज राजा थे, भोज राजा, और बहुत सारे डैम बनवाए थे, इनको पाल बोला जाता है, तो इस तरीके से भोपाल इसका नाम पड़ा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल पहले नागपुर हुआ करती थी? नागपुर अब कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, 1956, 1956 से पहले, 1956 से पहले नागपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, और नागपुर इसी में मध्य प्रदेश जो एरिया है उसी में ही आता था, महाराष्ट्र में नहीं आता था। लेकिन 1956 में क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। भाषा के आधार पर यह देखा गया कि नागपुर में रहने वाले लोग ज्यादातर सब मराठी बोलते हैं, तो फिर नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया, ठीक है? नागपुर को महाराष्ट्र के अंदर शामिल कर दिया गया। पहले जो मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मतलब मध्य भारत, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो पहले मध्य प्रदेश नाम नहीं हुआ करता था। एमपी कैसे बना? मध्य भारत। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य भारत, विंध्य भारत, ठीक है? मध्य भारत और विंध्य भारत, विंध्य भारत, इस तरीके का एक मैप भी था। मैप यार मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैप भी था, मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल वाला जो हिस्सा है, ये मिलाकर मध्य प्रदेश बना, ये मिलाकर मध्य प्रदेश बना। और नागपुर वाला जो जगह है वो इसमें से हटा दिया गया, वो रिमूव कर दिया गया 1956 को, 1956 को, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भोपाल के पास ही भीम बेटका भी यहीं पर है ना? जो कि एक क्या है, एक रॉक शेल्टर है, रॉक शेल्टर है, जिसमें हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, या मतलब कई हजारों सालों पहले जो लोग हुआ करते थे यहीं रहते थे। रॉक शेल्टर है, जो कि अभी सन 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया, ठीक
ठीक है। इसके अलावा बात करें एमपी की, ठीक है, एमपी की तो खजुराहो, खजुराहो टेम्पल भी यहीं पर है, एमपी में ही है खजुराहो टेम्पल। सीधा सीधा खजुराहो टेम्पल्स, सीधा सीधा आ जाता है कि खजुराहो टेम्पल्स कहां पर है, तो वो भैया एमपी में है, ठीक है। सांची स्तूपा कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा, ठीक है, जो कि मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्परर अशोका ने बनवाया था, ये भी कहां पर है, एमपी में, ठीक है। एमपी की बात करोगे तो भाई इंदौर भी यहीं पर है, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड का सेकंड इन्फ्लेटरी ये म्यूजियम है, इन्फेंट्री सॉरी, वर्ल्ड का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो यही बनाया गया है। इन्फेंट्री कौन सी होती है, पैदल चलने वाली सेना, ठीक है। इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी भी है, और ऐसा छठी बार लगातार हुआ है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। इसके बाद सूरत है, फिर नवी मुंबई है, और फिर विशाखापट्टनम है, ठीक है। इतनी बात हो गई। उज्जैन जिसको सिटी ऑफ महाकाल भी बोला जाता है, वो भी यहीं पर है, महाकाल का मंदिर यहाँ पर है, इसलिए इसको सिटी ऑफ महाकाल बोला जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये फाइनेंशियल कैपिटल भी है। उज्जैन की बात करें तो यहां पर वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो बनाई जा रही है, वैदिक क्लॉक, वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है उज्जैन में ही बनाई जा रही है, बिल्कुल सेकंड। हाँ उसके बाद में अगर आपको यहां पर बात बताऊं, एक एक दो फैक्ट और हैं जो आप देख सकते हैं यहां पर। वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक उज्जैन के अंदर बनाई गई, ठीक, सॉरी उज्जैन के अंदर बनाई जाएगी। 1,62,00,000 का फंड जो है वो रिलीज किया है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं, और मगन भाई जो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी अब बनने वाला है यहाँ पर, दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भी बनने वाला है, बहुत सारे टाइगर हैं भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा बांधवगढ़ माधव कन्ना, बांधवगढ़ माधव काना पन्ना पेंच फौसी सतपुड़ा वन विहार कूनो नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। एक नाम मैंने अभी लिया पेंच नेशनल पार्क, तो क्योंकि महाराष्ट्र से लगता हुआ है मध्य प्रदेश, तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी आता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी आता है। तो पैंच महाराष्ट्र की बात में चंदोली गुगावल नवेगांव तड़ोबा पैंच संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र के अंदर है, तो वहां भी पैंच नाम लिया जाता है ना, पैंच नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क आपको पता ही है, ठीक है, 162 सीआर लैक नहीं, 1.62, 1,62,00,000। तमिलनाडु गवर्नर जो है भाई, ये तमिलनाडु का गवर्नर है आर एन रवि, नहीं तमिलनाडु के गवर्नर आर एन, हाँ आर एन रवि, रविंद्र नारायण रवि, ये आर एन रवि जी हैं, ठीक है। थीके? और तमिलनाडु की बात करें तो एम के स्टालिन कौन है, इसके सीएम है। तो यहाँ पर एक क्या फेस्टिवल इनॉग्रेट हो रहा है, ऑक्टेव 2023, ऑक्टेव 2023। अब ऑक्टेव है क्या, ऑक्टेव है क्या, ऑक्टेव मतलब आठ, आठ मतलब कुछ आठ से रिलेटेड होगा। तो ऑक्टेव 2023 जो फेस्टिवल है, ऑक्टेव एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये आते, मतलब यहां से लोग आते हैं और अपने जो कल्चर है, अपने जो फेस्टिवल है उनको एंडोर्स करते हैं, उनको मतलब शोकेस करते हैं। तो ये क्या है, कल्चरल फेस्टिवल, कल्चर का और फेस्टिवल्स का एक तरह से एंडोर्समेंट है अलग अलग स्टेट में जा जाकर, ठीक है। तो ये है, तो पहला ऑक्टेव फेस्टिवल कब बनाया गया था, पहला ऑक्टेव फेस्टिवल 2006 में बनाया गया था, 2006 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई, 2006 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और यहां पर सिक्किम भी आता है, मतलब लैंड ऑफ सेवन सिस्टर, लैंड ऑफ सेवन सिस्टर, बहुत ध्यान से सुना, लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है ये आते हैं ऑक्टेव में। और ऑक्टेव 2023 फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है,
तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है, इधर आप मेघालय की बात करें, मेघालय की अगर आप बात करेंगे तो बीडी मिश्रा कौन है? बीडी मिश्रा इसके गवर्नर है। बीडी मिश्रा कौन है? इसके गवर्नर है। और कोनार्ड संगमा, कोनार्ड संगमा इसके कौन है? सीएम है। मेघालय के बाद बीडी मिश्रा के अगर नाम आता है तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश तो यहां पर प्रेमा खांडू, प्रेमा खांडू और बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा जो है गवर्नर है आपके मेघालय के भी और अरुणाचल प्रदेश के भी, ठीक है। इसी तरीके से एक नाम आता है असम और नागालैंड का, ठीक है, असम और नागालैंड का। अगर मैं असम की बात करूं बेटे, असम की अगर मैं बात करूं तो उसके भी प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड की मैं बात करूं, देखो ये रहा असम और ये रहा नागालैंड, असम और नागालैंड दोनों के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। जबकि अगर मैं असम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके सीएम है, और नागालैंड की बात करें तो नेफ्यू रियो इसके सीएम है, ठीक है। इस तरीके से आपको ना याद रखने चाहिए, जैसे असम प्लस नागालैंड, प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये इसके अंदर कॉमन है, ये इसके अंदर कॉमन है। और बात करें असम और नागालैंड की, ठीक है, तो असम के कौन है भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा और इसके नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, ठीक है। चार तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो चार स्टेट हैं उनके सीएम और गवर्नर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी बात करें तो भाई मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह और श्रीला गणेशन, ये इसके सीएम और गवर्नर हो गए। फिर आप मिजोरम की बात करें तो जोरम थांगा, मिजोरम की बात करेंगे जोरम थांगा और डॉक्टर हरी बाबू इसके गवर्नर है, ठीक है। हाँ ऐसे याद करना है, बिल्कुल वेरी गुड यार रिया, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो मनिक शाह तेरा त्रिपुरा और श्री सत्यदेव नारायण आर्या। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम तो देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के हैं और गंगा प्रसाद जो है गवर्नर है सिक्किम के। सिक्किम की बात करें तो पवन कुमार चामलिंग यही नाम आता है, पवन कुमार जो अब नहीं है, पहले थे सीएम और ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया सो फार, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट के, जिन्होंने लगभग 24.5 साल सिक्किम पर राज किया, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात थी? ऐसे जैसे यहाँ पे ऑक्टेव फेस्टिवल बनाया जाएगा तो फेस्टिवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, तमिलनाडु की ही अगर आप बेटा बात करोगे तो यहां पर एक फेस्टिवल बनाया गया जिसका नाम था कार्थिगई दीपम चरियोत फेस्टिवल, कार्थिगई दीपम चरियोत फेस्टिवल, ठीक है, ये बनाया गया काफी दिनों बाद यहां पर बनाया गया आफ्टर दी कोविड, ठीक है। और ये कहां पर बनाया गया? ये मदुरई में बनाया गया, मदुरई, मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एक विलेज है अरिकापट्टी, जो कि स्टेट की फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। इसके बाद आप बात करें मेघालय की तो यहाँ पर वांगला फेस्टिवल अभी हाल ही में बनाया गया, वांगला फेस्टिवल, सरकारी छुट्टी भी होती है यहाँ पर इसकी। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ठीक है। इसके अलावा शिलिट सिल्चर, शिलिट सिल्चर फेस्टिवल जो कि कहां पर? असम में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है,
सिलेट सिल्चर फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, जो कि असम और बांग्लादेश, कायदे से असम और बांग्लादेश दोनों के बीच में मनाया जाता है, टू यू नो टू सेलिब्रेट द कल्चरल टाइज इन बिटवीन दीज टू यू नो कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो असम में ये मनाया जाता है, ठीक है, सिलेट सिल्चर फेस्टिवल। अभी हाल ही में हमने देखा लद्दाखी न्यू ईयर जिसको बोलते हैं, लोसर फेस्टिवल भी लेह में मनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो कि केरला में बनाया गया है ना, केरला के बेकल में क्या बनाया गया था, अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ठीक है। चलो जी, बाकी केरला और तमिलनाडु से दो बातें कॉमन एक निकलती है, लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे धर्मादम, धर्मादम करके एक प्रोजेक्ट है जो कि धर्मादम जहां केरला में है, और वहां पर मतलब ये कोशिश है कि 100% लाइब्रेरी बना दी जाए सभी वार्ड के अंदर, तो उसको धर्मादम बोला गया। इसके अलावा केरला में ही वनीकरण, वनीकरण एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अनुसार क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर है, वहां पर नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को मतलब हरी झंडी दी गई, ठीक है। तमिलनाडु से तमाम स्टेटिक फैक्ट जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो एलिफेंट डेथ, इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में ही रिलीज किया गया, तमिलनाडु को ही अवार्ड मिला टू यू नो हैव द एक्शन अगेंस्ट दी क्लाइमेट चेंज मिशन, जो है क्लाइमेट चेंज मिशन इसने लॉन्च किया तो इसको अवार्ड मिला, इसने फर्स्ट ऐसा स्टेट बना जिसने क्लाइमेट चेंज मिशन बेसिकली रिलीज किया। इसके अलावा तमिलनाडु की ही अगर आप बात करते हो तो हाँ, सैनिटेशन डेवलपमेंट, सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो भी यहीं पर क्या करा गया, वो भी यहीं पर रिलीज करी गई एम के स्टालिन द्वारा, जिसके अनुसार 53,300 सैनिटेशन वर्कर जो है उनको क्या मिलने वाला है, उनको ग्लव्स और बूट्स मिलेंगे। तमिलनाडु ने लगभग 150 मिलियन डॉलर का जो है तमिलनाडु को क्या मिला है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से लोन भी मिला है। तमिलनाडु की बात करें तो आईआईटी मद्रास भी यहीं पर है, आईआईटी मद्रास ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है टू मेक दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर दी एनर्जी। तमिलनाडु की ही बात करोगे तो फिर हम आईआईटी मद्रास की यहाँ पर बात करते हैं, सिंधुजा वन एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है, सिंधुजा वन एक प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, एक मॉडल है जो कि कन्वर्ट करता है ओशियन वेव को एनर्जी के रूप में। आईआईटी मद्रास के पास ही एक जगह है, वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाना है, क्या बनाना है उसमें, इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। हाँ, एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क, बिल्कुल ऐसे ही करना है, वानीकरण ऐसे लिखते हैं, वानीकरण, देखो मैं बता देता हूँ वानीकरण की स्पेलिंग ये है, वानीकरण, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया है हमारा। चलो अब इंपॉर्टेंट कैपिटल और करेंसी हम देख लेते हैं, काफी अच्छी अच्छी बातें यार आज हो गई हैं, ठीक है, काफी अच्छी अच्छी बातें। हाँ, एमओयू विद ऑस्ट्रेलिया टू मेक दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर द एनर्जी, युगांडा कंपाला शिलिंग, यूक्रेन की वर्निया, यूएई अबू धाबी दिरहम, यूनाइटेड किंगडम लंदन पाउंड, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी डॉलर, स्विट्जरलैंड बन फ्रैंक, सीरिया दमस्कस पाउंड, कजाकिस्तान दशमलव सोबोनी, थाईलैंड बैंकॉक भारत, तुर्की अंकारा लीरा, और साउथ अफ्रीका केपटाउन रैंड, और ब्लूम 14 और प्रिटोरिया भी है इसकी कैपिटल, साउथ सूडान जूबा पाउंड, स्पेन मैड्रिड यूरो। स्पेन में अभी एक ट्रांसजेंडर लॉ जो है वो पास हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांसजेंडर लॉ, तो जितने भी ट्रांसजेंडर हैं जो कि 16 साल या उससे ज्यादा के हैं, दे कैन यू नो गेट चेंज देयर जेंडर विदाउट एनी सुपरविजन। श्रीलंका कोलंबो रूपी सुपरविजन ना कह के मुझे बोलना पड़ेगा कि विदाउट एनी यू नो परमिशन, इस तरीके से। स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, कतर दोहा रियाल, रशिया मॉस्को रूबेल, सऊदी अरबिया रियाल, रियाद रियाल, सिशिल विक्टोरिया रुपीस, सिंगापुर सिंगापुर सिटी डॉलर, ओमन मस्कत रियल, पेरू लिमा सोल, फिलीपीन मनीला पीसो, पोलैंड वोस्लो जिलोटी, पोर्तुगल लिस्बन यूरो, म्यांमार नाइपिदो क्याद, नेपाल काठमांडू रुपी, नीदरलैंड एम्स्टरडम यूरो, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, और नॉर्वे ऑस्लो क्रोन।
लीबिया की पौली दिना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित, मंगोलिया उलंबतुर तुगरुक, मंगोलिया उलंबतुर तुगरुक, मोरेश पोर्ट मोरेशियस पोर्ट लुइस रुपी, मोरक्को रबत दिरम, जापान टोक्यो येन, जॉर्डन अम्मन दिनार, जमैका किंगस्टन डॉलर, केनिया नैरोबी शिलिंग, कुवैत क्वेस्टी दिनार, और सूडान खार्तूम पाउंड, सोमालिया मोगादिशु शिलिंग, सीरिया दमस्कस पाउंड, इराक बगदाद दिनार, जिम्बाब्वे हरारे डॉलर। फिर उसके बाद बांग्लादेश ढाका टाका, बेल्जियम ब्रसल्स यूरो, भूटान थिम्पू निगोत्रम, बोलिया सुक्रो बोलियन, चिली सेंटियागो पेसो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वीना यूरो, अर्जेंटीना बिनेजर पेसो, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, और अज़रबैजान बाकू मनत। आया मजा? ठीक है गाइस, तो ये मुझे बोलना था आपको, यही मुझे समझाना था। आज के सेशन में हमने काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज यार डिस्कस कर ली है। ठीक है, कल तो संडे है, कल इतनी न्यूज नहीं आती है, एंड लेट्स सी कि क्या न्यूज आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, पवन कुमार चामलिंग 24.5 ईयर्स, लगभग 24.5 साल सीएम रहे सिक्किम में। थैंक यू वेरी मच गाइस।